वेलकम टू कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर। और आज क्या बनाया जाए, ये जो प्रश्न है ये सबको बहुत मुश्किल लगता है। लंच टाइम आया तो बस उससे पहले सोचा जाए कि क्या बनाया जाए, डिनर में क्या बनाया जाए। सबसे मुश्किल सवाल ये होता है, क्योंकि खाना बनाना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मेन्यू सोचना वो ज़्यादा मुश्किल है। अब किसी की पसंद क्या, किसी की पसंद क्या, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान बच गया तो अब बचा हुआ सामान कोई फेंकता तो नहीं है ना। शुरुआत की जाए आज की जरा। और ये हमारे पास जरा प्याज है, प्याज को चॉप करना है मुझे। तेज छुरी होगी तो प्याज काटते समय आंखों में से आंसू नहीं निकलेंगे, नहीं तो तेज छुरी नहीं होगी तो आंखों में से आंसू निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा तेल ले लिया, और तेल लेने के बाद ये मेरे पास यहाँ पर है उड़द। ये उड़द दाल, धुली हुई उड़द दाल। तो उड़द दाल लेकर और उसके साथ साथ ये हमारे पास मस्टर्ड सीड्स, ये ले लिया उड़द और मस्टर्ड। और उसके साथ में ये हैं करी पत्ते। चलिए करी पत्ते भी आ गए। और इसमें ये प्याज, और फिर इसको ये सब चीजें जरा सॉफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये करने के बाद अब क्या करना है मुझे, ये मेरे पास है इडली। मैं जा इडली को क्या करता हूँ, ये डालता हूँ मिक्सी के अंदर और थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश करता हूँ। ये हमने क्या किया है, ये देखिए इडली को मिक्सर के अंदर डाल के ये ऐसे बना लिया है। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं बची हुई इडली का उपमा, और वो भी टोमेटो उपमा। और इसमें मजेदार टमाटर अब आएंगे ना। फ्रेश टोमेटोज, और जब तक ये तीखा नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो इसके अंदर चॉप्ड ग्रीन चिलीज, और ये लेकर टमाटर को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पकाया। और फिर ये जो हमारे पास इडली है ये ले ली, और इडली इसके साथ में ये देखिए, इसलिए ये जरूरी होता है कि इसमें जो मॉइस्चर है वो काफी हो, चाहे वो टमाटर का मॉइस्चर है या फिर इसके अंदर जो प्याज है उसका मॉइस्चर है। अब नमक, नमक ले लेते हैं इसमें। ये बहुत ही बढ़िया सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत अच्छी है। इसमें जरा नींबू भी चाहिए हमें। ये इसके अंदर डालेंगे, ये लीजिए नींबू, थोड़ा और नींबू, और जरा इसे चला लेते हैं। ये देखिए, ये अब जो है उपमा, भाई नॉर्मली आपने देखा होगा कि सूजी का उपमा बनता है, ब्रेड का उपमा बनता है, ये जो इडली का उपमा है ना, खासतौर से ये प्याज टमाटर के साथ में ये मसालेदार, ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है, और घर में सब पसंद करेंगे, क्योंकि ये इडली के साथ में, इडली का टेस्ट वैसे ही अच्छा होता है लेकिन इडली के साथ में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इडली का ऐसे कत्ल कर दिया जाएगा, ऐसे हलवा बना दिया जाएगा, लेकिन ये बनने के बाद में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और जैसे आप नॉर्मली जो रवे से बना हुआ बनाते हैं उपमा, उसको कैसे मोल्ड कटोरी में काट के भी, उसमें कटोरी में डाल के भी मोल्ड कर सकते हैं ना, ये भी मोल्ड भी हो जाता है। तो जैसे भी आप इसको सर्व करना चाहें वैसे इसको कर सकते हैं। और ये लीजिए, ये नींबू वींबू सब डल गया, सब अच्छी तरह से। अब टमाटर भी इसके अंदर, प्याज भी, हरी मिर्च भी, बस इसको किया बंद। कोई ये कह नहीं सकता कि ये बची हुई इडली से बना हुआ है,
इतना कमाल का टेस्ट है, गर्मा गर्म इसको सर्व करें। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसको लंच वगैरह में, अगर टिफिन में भी लेके जाया जाए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये उपमा जो है एकदम फटाफट बनने वाली डिश, लेकिन इसके अंदर जो कमाल है वो तो इडली। अब इडली अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं भी बनी ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये तो इडली का कत्ल तो हो ही गया। मज़ेदार। और फिर ये लीजिए,